पूर्णिया से अहम खबर है। सड़क हादसे में 5 बारौतियों की मौत हुई है। अर्टिगा कार और ट्रक में टक्कर के वजह से यह हादसा पेश आया। अर्टिगा कार से खगड़िया जा रही थी बारात। हादसे के वक्त कार में 14 लोग थे सवार। वरंगा बाईपास में कार ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद सभी घायलों को GMCH में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। पूर्णिया में भीषण सड़क हादसा पेश आया है। 5 बारौतियों की मौत की खबर है। हादसे में 9 लोग बुरी तरह से घायल हैं, इनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कार में 14 लोग सवार थे। हादसा मरंगा बाईपास के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। ड्राइवर की गलती और इस चूक की वजह से हादसा सामने आया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बचा लगा करके करीब करीब 10 आदमी, 5 आदमी का अभी तक देखे हैं। कैसे हुआ? वो गाड़ी ठोकर मार दी ट्रक। ड्राइवर जो है अनियंत्रित हो गया या तो उसको नींद आ गई या संतुलन खो दिया। बगल में ट्रक लगी हुई थी, ट्रक में जाकर डैश कर दिया। इस दुर्घटना में 3 बुजुर्ग और 2 बच्चियां की मृत्यु हो गई है। 9 आदमी का इलाज चल रहा है। सबको जो घायलों को इलाज के लिए हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में लाए हैं और जो मृत्यु हो गई जिसकी उसका जो कार्रवाई होती है इंक्वेस्ट किया जा रहा है। सहयोगी प्रफुल्ल झा का रुख करते हमारे साथ पूर्णिया से लाइव जुड़े हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ है जानकारी? सबसे पहले तो ये बताइए, घायलों का इलाज किस तरीके से हो रहा है? देखिए ममृत, ये लगभग 1:30 बजे की घटना है जो पूर्णिया थाना क्षेत्र के मरंगा बाईपास महज थाना से लगभग 100 मीटर की दूरी पर यह घटना घटता है, जहाँ पे जो खड़ी ट्रक है वहाँ से पे आर्टिका गाड़ी आती है और ज़बरदस्त टक्कर होता है। उसमें जो लगभग 14 लोग उस आर्टिका गाड़ी में सवार थे, जिसमें कि 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। बाकी 9 लोगों को सदर अस्पताल GMCH लाया जाता है। हम तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, इसी जगह इसी अस्पताल में उनको लाया गया और वहाँ पर इसको जो है घायलों का इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए 3 मरीजों को भागलपुर रेफर कर दिया, जिनकी हालत बताया जा रहा है कि काफ़ी सीरियस है और बाकी लोग यहीं पे हैं। जो मृत हैं, जो जिनकी मौत हो गई है इस पूरे घटनाक्रम में, तो उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। पुलिस जो है पूरे मामले पे नज़र बनाए हुई है। बताया जा रहा है, जो परिजन है जो है उनका कहना है कि जो ड्राइवर है उसकी जो है वो अनियंत्रित हो गया था, उसको नींद आ गया था, जिसके कारण से खड़ी ट्रक में एक जोरदार टक्कर होने के कारण से इनकी मौत हो गई। इस मौत में 2 बच्चे हैं और 3 जो है पुरुष हैं जो बुजुर्ग हैं, उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। बाकी जो 3 जो लोग हैं काफी सीरियस हैं, उनको भागलपुर भेजा गया, जिसमें 1 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। उनकी स्थिति जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। ऐसे मृतकों का पोस्टमार्टम जारी है। अब बाकी जो सरकारी योजनाओं का क्या होता है वो उस पर पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई कर रही है। हालांकि इस जगह काफी भीड़ भाड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।